वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली पर हम पाक फौज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब भी पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नीचे कमेंट में लिखें और क्रिकेट लवर होने का सबूत दें, शुक्रिया। मकबूजा कश्मीर पर टोईटस के हवाले से भारतीय सहाफियों के सवाल पर भी कप्तान विराट कोहली ने शाहिद आफरीदी के खिलाफ बयान ना दिया। तफसीर के मुताबिक कश्मीर के खराब सूरत हाल पर शाहिद आफरीदी ने बयान दिया तो पूरे भारत में खलबली मच गई और साबिक क्रिकेटर्स ने शाहिद आफरीदी के खिलाफ तरह तरह के बयान दिए, लेकिन जब ये ही सवाल विराट कोहली से किया गया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर शाहिद आफरीदी के खिलाफ कोई बयान न दिया और भारतीय सहाफियों से ऐसी बात कह दी कि सबके मुँह खुले के खुले रह गए। पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय मीडिया ने शाहिद आफरीदी के बयान पर वबेला मचाया तो सहाफियों ने विराट कोहली को भी घेर लिया और शाहिद आफरीदी के ट्विटर से मुतालिक रद्द अमल माना गया तो विराट कोहली ने तहमुल का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया है कि ऐसे मौजू पर बात करना हर किसी की अपनी मर्जी है, मुझे इस मामले के बारे में मुकम्मल मालूम नहीं है, इसलिए इस पर बात नहीं करूँगा। उनका कहना था कि किसी की भी पहली तर्जीह उसकी अपनी कौम होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय होने के नाते आप वही बात करेंगे जो भारत के मुफाद में है। मेरा मुफाद हमेशा से अपने मलिक के मुफाद में है। अगर कोई चीज उसकी मुखालिफत करे तो यकीनन मैं इसकी हिमायत नहीं करूंगा। उनका कहना था कि ये पेचीदा मामला है, इसलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन यकीनी तौर पर किसी की पहली तरजीह उसकी अपनी कौम होगी। वाज़ेह रहे कि कश्मीर में जारी बर्बरियत की ताज़ा लहर पर अफसुर्दा होकर शाहिद आफरीदी ने इस जुल्म को खत्म कराने के लिए बैनुल अक़वामी दुनिया और अक़वामे मुत्तहिदा की तवज्जो इस जान करने को कहा था, जिस पर पूरे भारत में ववेला मच गया और गौतम गंभीर ने कहा था कि शाहिद आफरीदी की बात पर ध्यान न दें, वो कौन होता है। वीडियो देखकर अपनी राय जरूर दें, लाइक शेयर भी करें, न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले देख पाएं, शुक्रिया।